हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम. माई सेल्फ रीनाक्षी सोनी फ्रॉम गीता ग्लोबल स्कूल. आई एम योर इंग्लिश टीचर. सो स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू चैप्टर सब्जेक्ट लिटरेसी स्किल्स. ओके स्टूडेंट, तो नाउ दिस इज योर टेक्स्ट बुक सीनियर के जी लिटरेसी स्किल. तो टुडेज आर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 11. A and N, पेज नंबर 54. एंड सेकेंड टॉपिक इज वन एंड मैनी, पेज नंबर 56 to 59. कोटे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक आउट पेज नंबर 54. ए एंड एन. हाउ टू यूज ए एंड एन? हम ए और एन का यूज किस तरीके से करते हैं वो इस वीडियो में आपको बताऊंगी. So you can see here some instruction given here. So first is a came, a comes before words that begin with consonant sounds. ठीक है, जो a होता है वो क्या होता है, जो हमारे consonant sounds होते हैं in first video of phonic book. जो फोनिक बुक की जो फर्स्ट वीडियो थी, मैंने आपको उसमें कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स के बारे में समझा दिया था. तो कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे वोवल्स होते हैं. वोवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, इन सभी को छोड़ के हमारे बाकी के जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स के आगे हम क्या लगाते हैं? हमेशा ए. उनके पहले क्या आता है बच्चों? F और apple, मतलब A साउंड आता है. ठीक है, देन N का यूज़ हम अपने जो वोवल्स होते हैं उनके लिए, उनके आगे करते हैं. तो हमारे वोवल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. तो दीज आर आर वोवल्स. ये क्या है? हमारे वोवल्स है. इनके आगे हमेशा क्या आएगा? N. गॉट इट? हम इसके आगे एन का यूज़ करेंगे. ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग इन फाइव लेटर्स को छोड़ के जो हमारे अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं उनके आगे हम किसका यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे. ठीक है, सम एग्जांपल्स, रीड द फॉलोइंग लाउड. अब यहाँ पर क्या है, कुछ पिक्चर्स दी हुई है और उनके यहाँ पर उनकी नेम मेंशन दिया हुआ है कि हु इज़ दिस पिक्चर, ये पिक्चर किसकी है, उसका नाम यहाँ पर आपको दिया हुआ है. लेकिन उसके नाम के आगे आप देखिए ए और एन का यूज़ हो रहा है. ठीक है, अब जो कैट है, के जो होता है, सी होता है, वो हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है. तो उसके आगे हमने क्या लगाया? ए. बैग है, बैग भी हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है. उसके आगे हमने क्या लगाया? ए. हैन है, हैन के आगे हमने क्या लगाया? ए, क्योंकि ये एच इज़ कॉन्सोनेंट. देन ई, ये हमारा क्या हो गया? वोवल्स आ गया. ठीक है, वोवल्स के आगे हमें क्या लगाना है? एन का यूज़ करना है. ठीक है, ओ, ओ, ओ इज आल्सो वोवल्स, तो वी विल राइट हियर एन. देन एप्पल, ए आल्सो वोवल. ठीक है, इसके आगे हमने क्या लगाया? एन. आई भी हमारा क्या है? वोवल है. उसके आगे हमने क्या लगाया? एन. यू भी हमारा क्या है? वोवल है. उसके आगे एन. ठीक है, यहाँ पर जो देखिए ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, ये हमारे वोवल्स लेटर्स हैं. इनके आगे हमने क्या लगाया है? एन का यूज़ किया है. अब जैसे एन है, एन हमारा कॉन्सोनेंट है, तो उसके आगे हमने क्या लगाया? ए लगाया. पी, पी आल्सो कॉन्सोनेंट, तो वी विल राइट हियर ए. सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किसके आगे एन का यूज़ करना है और किसके आगे ए का यूज़ करना है. वेरी सिंपल, वोवल साउंड आता है आपका तो आप एन का यूज़ करोगे, और कॉन्सोनेंट्स आते हैं तो आपको ए का यूज़ करना है. ठीक है, नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 55. तो वी विल राइट हियर ए एन and A and N. So O is vowel, so we will write here A. N.
बी इज कॉन्सोनेंट तो वी विल राइट हियर ए, सी इज कॉन्सोनेंट तो वी विल राइट हियर ए, बी इज कॉन्सोनेंट तो वी विल राइट हियर ए, ई इज वॉवल इज वी विल राइट हियर एन, यू इज वॉवल तो वी विल राइट हियर एन, सी इज कॉन्सोनेंट सो वी विल राइट हियर ए, एम इज कॉन्सोनेंट सो वी विल राइट हियर ए, ए इज वॉवल तो वी विल राइट हियर एन, ई इज वॉवल तो वी विल राइट हियर एन, बी इज कॉन्सोनेंट तो वी विल राइट हियर ए, बी आल्सो कॉन्सोनेंट सो वी विल राइट हियर ए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया है, जिनके आगे ए ई आई ओ लेटर्स आते हैं उनके आगे हमें एन का यूज़ करना है, और बाकी जो लेटर्स है कॉन्सोनेंट्स वाले उनके आगे हमें ए का यूज़ करना है।